क्या मध्य प्रदेश में अपनी जीत तय मान रही है कांग्रेस? कमलनाथ ने एमपी के अफसरों को कौन सी धमकी दी है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस अपना 15 सालों का सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब होगी, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस नेता खासकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान से तो ऐसा लग रहा है मानो चुनाव में उनकी पार्टी की जीत तय है। शायद यही वजह है कि वो अभी से ही अपनी हनक दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो राज्य के सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिख रहे हैं। सागर के खुरई विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जो भी शासकीय कर्मचारी सही काम नहीं करता और बीजेपी का बिल्ला जेब में लेकर घूमता है, 11 दिसंबर के बाद जब गिनती होगी तो याद रखें कमलनाथ की चक्की देर से चलती है पर बहुत बारीक पीसती है। वैसे तो चुनाव प्रचार के दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। ऐसा करने के दौरान नेता विवादित बयान देने से भी नहीं चूक रहे हैं, लेकिन इस मामले में कमलनाथ बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने इस तरह के विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो चर्चा में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महिला प्रत्याशियों को लेकर बयान दिया था जिस पर बवाल मचा था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को कोटा और सजावट के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता। इससे पहले भी कमलनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट को लेकर बयान दिया था, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ। और अब अपने इस ताज़ा बयान को लेकर कमलनाथ फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।